रेवाड़ी जिला के बावल क्षेत्र में आज पुलिस ने आने वाले चुनावों को लेकर गांवों में किया कुछ। आज दिनांक 4 नवंबर को जिला रेवाड़ी थाना बावल व कसोला एरिया में आने वाली 9-12 नवंबर को पंचायती राज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च करते हुए प्रबंधक थाना बावल कसोला व पुलिस अधीक्षक श्री अमित भाटिया व उपमंडल अधिकारी बावल श्री संजीव कुमार मौजूद है ताकि सूबे में शांति व कानून व्यवस्था बनी रहे। आज पुलिस प्रशासन ने 40 गांव में किया फ्लैग मार्च और श्री अमित भाटिया GDSP ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना और उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव के लिए पुलिस व प्रशासन दोनों तैयार हैं और उन्होंने कहा है कि जो चुनाव में बाधा उत्पन्न करेगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन के लिए बाहर से भी फोर्स बुलाई है जिसमें आर्म्ड पुलिस रिजर्व पुलिस बटालियन को बुलाया है और प्रशासन की तरफ से सेक्टर मजिस्ट्रेट व ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि चुनाव में किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न हो और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। क्षेत्र में किया गया है, मुख्य उद्देश्य है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना और एक संदेश देना कि जो पुलिस जो फोर्स है और जिला जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए और कोई भी नॉन सोशल एलिमेंट जो कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाएगा उसके खिलाफ उन सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर अभी पिछले पहले चरण के चुनाव हमारी तैयारी पूरी है जिसमें हमने जो बाहर से भी फोर्स बुलाई है जैसे हमारी आर्म्ड पुलिस है और जो हमारी रिजर्व बटालियंस हैं उनको भी हमने बुलाया है और प्रशासन की तरफ से सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है तो मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना उत्पन्न हो और पूरी तरह से जो प्रशासन है वो डोमिनेट करे और जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चले। धन्यवाद। सर चुनाव